48 तक क्वेश्चन हो गए थे भाई, तो एक बार 39वां 49वां क्वेश्चन देखना। जैसे अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के तीन सेट जिनमें क्रमशः 336, 240, 96 पुस्तकें हैं, को इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तक की ऊंचाई समान हो। ढेर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यो कैसे करना है क्वेश्चन, या जितनी भी संख्या दे रखी है ना, जो मैक्सिमम नंबर पूछ रखे है इसका, तो जितने भी हैं 336, 240 और 96, इनका लेना हमने HCF। HCF लेंगे 336, 240 और 96, डिवीजन मेथड थे, तो 96 ना 240 से डिवाइड करोगे, 96 दूनी 192, बच गया 48। 48 नीचा गया और ये 96 इसके अंदर आ जाएगा, तो 48 दूनी 96, तो इस दोनों 96 का और 240 का HCF आया 48। तो फिर 48 ने 336 से डिवाइड करेंगे तो 48 होते 336, तो तीनों टर्म का HCF आ गया हमारे पास 48। तो मतलब हम 48 48 के सेट में इसको अरेंज कर सकते हैं। 48 के सेट में अरेंज करेंगे तो पहले ग्रुप में कितने ग्रुप बनेंगे, जैसे पहले में कितने 336, दूसरे में 240, तीसरे में 96। तो पहले को 336 को 48 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका HCF है ये वाला, तो ग्रुप बनेंगे हमारे पास 7। 240 को, क्योंकि दूसरी संख्या कितनी है 240, 240 को हम 48 तक करेंगे तो संख्या बनेगी 5, मतलब ग्रुप बनेंगे 5, और जो लास्ट नंबर है 96, 96 को हम 48 तक करेंगे तो बनेगा 2। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो टोटल ग्रुप हो गए हमारे पास 14। तो इसका आंसर है भाई ये 14। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36 लीव द रिमाइंडर 19, 27, 31। तो देखो रिमाइंडर 24 में तो 19 गया, रिमाइंडर आ होगा 5, 32 में तो 27 गया, रिमाइंडर आ होगा फिर भी 5, फिर क्या नाम 36 में तो 31 गया फिर भी रिमाइंडर आएगा 5, तो रिमाइंडर सारे में सेम आ रहा है, तो वो है सिंपल है इसका, एलसीएम लो और एलसीएम में 5 घटा दो। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, 24, 32 और 36 संख्याएं हैं, 24, 32, 36 और इनका रिमाइंडर आ रहा है 19, 27 और 31, इनमें तो जब हम घटाओगे, घटाने के बाद आ रहा है 5, 5 जैसे दिखाया जाए, नीचे सारा का रिमाइंडर आ रहा है 5, 32 में 27 गए 5। तो एलसीएम 24, 32 और 36 का लेने का तरीका यो है, पहले वीडियो में बता रखे, अगर जिसने नहीं देखी हो पहले वीडियो देख लेना। तो एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 288, मतलब 288, और रिमाइंडर बच रहा था 5, मतलब तो 5 इसमें तो घटा देंगे, तो 288 में तो 5 घटाओगे आंसर आ जाए हमारे पास 283। 283 आ गया इसका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50वां, इस जिसका आंसर है 283। उसके बाद क्वेश्चन आया है 51वां, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48, 60 एंड 72 लीव द रिमाइंडर 37, 49 एंड 61। वो ये करना पिछले वाले क्वेश्चन की ढाल, तीनों का एलसीएम लेना और सारे, जैसे 48 में 37 करोगे 11 होगा, 60 में तो 49 करोगे फिर भी 11 होगा, और 72 में तो 61 माइनस करोगे फिर भी 11 होगा, तो रिमाइंडर मतलब आ गया 11। तो एलसीएम आ गया इसका 720, एलसीएम में तो क्या करना, उन्हें घटा देना बस, 720 में तो 11 गए, 709 बच जाएगा भाई हमारे पास, आंसर आ गया इसका 709। अगला क्वेश्चन देखना, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड एलसीएम इज 360, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल। एचसीएफ दे दिया है 12, तो संख्या क्या हो जाएगी, 12x और 12 भाई, और एलसीएम है 360। ये जो दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने कि भाई एचसीएफ गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम की, ये लिख दिया मैंने, 12xy बराबर है 360 के, तो xy की गुणा मतलब दो नंबरों की गुणा किसके बराबर आ गई, 12 36, मतलब xy की गुणा आ गई है 30 के बराबर। तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं कि हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, मतलब दो नंबरों को गुणा करें, 30 आए, 5 6 30, 10 3 30, 15 2 30 और 30 6 30। हमने ऐसी कोई रेशियो नहीं लेनी जिस तरह मारा, जैसे रेशियो ले लिया हमने 15 2 आ गया, 10 और 30 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई करने पर, अगर रेशियो ऐसी नहीं लेनी तो कोई भाई रेशियो लेने के बाद वो कट जाए, तो इसमें ऐसी कोई रेशियो नहीं भाई जो कटेंगे, जैसे 6 और 5 की नहीं कटते, 10 3 से नहीं कटता, 15 और 2, मतलब इनके फैक्टर कॉमन नहीं है, तो पेयर कितने बने, 1 2 3 4, तो आंसर है इसका 4। सेम है बिल्कुल अगला, ये एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर सम इज 50। 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5x और 5y, तो क्या लिख सकते हैं हम, 5x नंबर का सम दे दिया इसने 50, तो 5x + 5y = 50 कॉमन ले लेंगे, या फिर 5 तो सारे ने डिवाइड कर दो, 5 ने सारे डिवाइड करोगे, पहली संख्या ने 5 डिवाइड करोगे आ जाएगा x, दूसरी संख्या ने 5 डिवाइड करोगे आ जाएगा फिर y, और तीसरी ने इसने करोगे तो आ जाएगा 10।
मतलब दो नंबर ऐसे हैं जिसको जमा करें तो 10 आएगा, तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 9 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है। ये देखो इसमें हम 5 और 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 और 5 कट जाते हैं, 5 एक 5, 5 एक 5, रेशियो बदल जाएगी, इसलिए 1 और 1 आ गई, 1 और 1 होगा 2। इसलिए हमने ऐसी कोई संख्या लेनी जो कटेंगी, संख्या ऐसी लेनी है भाई जो भी कटे नहीं, तो 9 और 1 और 3 और 7, दो ही पेयर बनेंगे इसके ना। 6, 6 और 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 6 भी कट जाते हैं। 8 और 2 भी नहीं ले सकते, 6 और 4, सॉरी 6 और 4 भी ले सकते, 8 और 2 भी ले सकते क्योंकि सारे कटेंगे भाई, तो पेयर बनेंगे हमारे पास सिर्फ 2, तो आंसर इसका 2। अगला क्वेश्चन देखना 54वां, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर सम इज 240। बिल्कुल सेम है पिछले वाले के लिए, 12x + 12y, तो x + y बनाएगा 20। तो 20 कैसे कैसे कितने जोड़े बना सकते हैं भाई हम, जोड़े तो 20 आए, 1 और 19, 3 और 17, 7 और 13 और 9 और 11, 15 और 5 नहीं बना सकते, वही बात है 5 3 15 कट जाएगा, ऐसी कोई संख्या ले ली जो कट जाए, तो कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 और 4, 1 19, 3 17, 7 13 और 9 और 11, तो जोड़े बन गए हमारे पास भाई 4। 55वां क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 300 एंड देयर सम इज 135। दो नंबर का एलसीएम ये करने भाई हमने ऑप्शन देख कर, ये वाले ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब सम देख लो 135, पहली बात तो सम किस किसका 135 है, देखो 5 इसने जोड़ेंगे आगे, 5 6 और 5 10, 105 आ रही, तो ये तो आंसर गलत हो गया। 70 और 80 ने जोड़ेंगे कितना होगा, लिया जाएगा 150, ये भी गलत हो गया। 60 और 75 ने जोड़ेंगे कितना होगा, 5 6 12 13, 135 आ गया इसका, ये हो सकता है, और इसने जोड़ लिया 5 और 5 10 0, 1 6 1 7 7 और 5 12 120, ये भी नहीं, तो आंसर हमारा बी, ये ऑप्शन तो होंगे। 56वां क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर सम इज 25। वही ऑप्शन वाले मेथड थे, 10 और 15 ले लो, 11 और 14 का भी नहीं होता, 12 और 13 का भी नहीं होता, 11 14 का होता है, लेकिन इनका एलसीएम 11 14 का एलसीएम 30 नहीं आएगा, कभी भी देख लेना एलसीएम निकाल के देख लेना, 12 और 13 का एलसीएम भी नहीं 30 आ, क्योंकि 30 13 तो डिवाइड नहीं होता, 12 तो भी नहीं डिवाइड होता, 9 और 16 भी 25 हो गए, लेकिन एलसीएम ना तो 16 30 तो डिवाइड होता, ना ही 9 30 तो डिवाइड होता, तो 10 30 तो डिवाइड होगा और 15 दूनी 30, तो दोनों नंबर ये हैं अर्जिन का सम 25 के बराबर है, तो आंसर है 56वें का डी। उसके बाद वह 57वां क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, 56 तक क्वेश्चन हो गया इस वीडियो में। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दियो। धन्यवाद भाई।